हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के हम बात करने वाले हैं Xiaomi के मोबाइल के एक बग के बारे में। अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है आपके Xiaomi को मोबाइल के अंदर android.process.acore कीप स्टॉपिंग, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको 7 से 8 सॉल्यूशन बताऊंगा जिनसे आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं गाइस वो सॉल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप सबको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो बैक आ जाना होगा। उसके बाद आपको अपने प्ले स्टोर को एक बार ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आपकी प्रोफाइल पिक देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली इस पर टैप कर दीजिए, देन आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, आप सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको अपडेट अवेलेबल मिल जाएगा, आपको सी डिटेल्स पर टैप करना हो। देन यहाँ से आपको जितनी भी एप्लीकेशन आपकी अपडेट यहाँ पर अपडेट आया हुआ तो आप सभी को यहाँ से अपडेट ऑल कर दीजिए, यहाँ से आप अपडेट कर लीजिए। आपको इस अपडेट करने के बाद आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी तब भी फिक्स नहीं होती तो आप एक बार अपने मोबाइल को रिबूट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक बार अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना होगा। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का, ऐप्स पर टैप कर दीजिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए। मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगी, आप सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंस, आप सिंपली गाइस इसे रीसेट कर दीजिएगा। ये काम करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर दोबारा से 3 डॉट पर टैप करना होगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा शो ऑल ऐप्स, आप सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको सर्च कर लेना होगा कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर। यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर आ चुका है। अब आपको सिंपली इस पर टैप करना होगा। देन आपको क्या करना होगा, आपको फोर स्टॉप मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इसका फोर स्टॉप कर देना होगा। उसके बाद आपको स्टोरेज पर टैप कर देना होगा। देन यहाँ से आपको इसका क्लियर ऑल डेटा कर देना होगा। क्लियर डेटा करने से गाइस आपको कोई भी कॉन्टैक्ट्स यहाँ डिलीट नहीं होगा। बस उससे पहले आप इसका फोर स्टॉप जरूर कर दीजिएगा। फोर स्टॉप करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा प्ले सर्विस, गूगल प्ले सर्विस आपको सर्च कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसका फोर स्टॉप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च पे टैप करना होगा। देन यहाँ से आपको उसका क्लियर ऑल डेटा कर देना होगा। यहाँ पर आपको मैनेज पेज पे टैप करना होगा। देन यहाँ से आपको उसका क्लियर ऑल डेटा कर देना होगा। बस गाइस आपको यही काम करना होगा तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये सब काम करने के बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आप बैक आ जाइए और यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर लीजिए सेटिंग्स। यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग्स सर्च कर लेता हूँ। सेटिंग्स पर टैप कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर क्लियर डेटा मिल जाएगा, आप सिंपली यहाँ से इसका क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए। आपको एक काम करना होगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आप बैक आ जाइए। देन आपको सेटिंग्स में ही रहना होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद सबसे ऊपर आपको जाना होगा। देन आपको अबाउट फोन में टैप करना होगा। देन यहाँ पर MIUI वर्जन पे आपको टैप कर देना होगा। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई अपडेट हुआ तो आप सिंपली अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पर अब आपको अपडेट कर लेना होगा। इससे भी गाइज आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। अब गाइज ये सब काम करने से भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो मैं आपको लास्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ, इससे आपकी 101% फिक्स हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। तो गाइज जब आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा अबाउट फोन पर टैप करना होगा। देन आपको नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पर टैप कर दीजिए। देन यहाँ पर आप इरेज ऑल डेटा कर दीजिए। उससे पहले आप अपने किसी लैपटॉप कंप्यूटर में अपना डेटा को यहाँ पर सेव रख कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को जो है फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। तो गाइज आपको जो है यार दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो बस गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय गाइज।